हेलो स्टूडेंट्स, यार आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। जेई मेंस 2021 का सवाल है और ये सवाल दिखने में काफ़ी भयानक है लेकिन है बहुत आसान। बताते हैं कैसे। क्या पूछ रहा है मेरे से? डिटर्मिनेंट मतलब बोले तो सारणिक। तो किसका सारणिक पूछ रहा है मेरे से? दो एडजॉइंट ऑफ, फिर से एडजॉइंट है, दो एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ फिर से दो ए, इसका सारणिक चाहिए हमें। काफी मुश्किल है भाई, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये भी दे रखा है कि भाई ए मेरे पास 3/3 का ऑब्वियस है। अच्छा, अपने पास इसमें दो प्रॉपर्टी लगेंगी, बस दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। देखें, अपने पास के गुणा ए का जो सारणिक होता है वो कितना होता है? के की घात एन गुणा ए का सारणिक, जहां ए मेरे पास ऑब्वियस ए का कोटि है। जैसे 3/3 का एन बाई एन का होता तो के की घात एन लगता है ना। तो अब अपन धीरे धीरे चलते हैं कि यार ये क्या पूछना चाह रहा है। और दूसरा गुणधर्म अपने पास लगेगा कि एडजॉइंट ए का जो मेरे पास सारणिक होता है वो क्या होता है? ए के सारणिक की घात एन माइनस दो, एन माइनस एक। तो अपने को यहां पे एक बात तो क्लियर है कि यार ए का मेरे पास जो कोटि है वो 3/3 का है, तो एन का मान 3 है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका सारणिक निकालने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास दे रखा है, कितना दे रखा है? ये 2 की घात 41 दे रखा है ना। सबसे पहले मेरे पास 2a का जो सारणिक होगा वो कितना होगा? वो जाएगा 2 की घात 3 गुणा a का सारणिक। अब इसके एडजॉइंट का मतलब इसके घात n माइनस एक, 3 माइनस 1 2। फिर इसके एडजॉइंट का, यहां पे तो 2 नहीं है ना भाई, हाँ इधर 2 नहीं है। अब पहले इसका एडजॉइंट लिया तो इसकी घात 2 लगी, फिर इसका एडजॉइंट तो फिर से इसकी घात 2 लग गई। फिर किसका चाहिए? फिर इसके 2 गुने का, मतलब यहां पे जो मेरे पास ऑब्वियस आएगा उसका दुगना करना है। तो मतलब दुगना करना है, उसका सारणिक लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? भाई ऐसे देखो, यहां पे मेरे पास के गुणा, इसका सारणिक मेरे पास क्या है? इस भाई साहब का सारणिक मेरे पास इतना है। अब अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 की घात 3 बार लग जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया। फिर इसका फिर से एडजॉइंट लेना है तो फिर से इसकी घात 2 कर देंगे, और इसका फिर से 2 गुना करना तो 2 की घात 3 भाई साहब फिर से आ गया। ये दे रखा है मेरे पास 2 की घात 41 के बराबर। समझ में आई बात? नहीं आई होगी मुझे पता है, थोड़ी मुश्किल है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं ना। क्या कह रहा है? 2 गुणा 1 का जो सारणिक होगा मेरे पास 2 की घात 3 गुणा 1 का सारणिक हो जाएगा। फिर उसका एडजॉइंट लेना मतलब उसकी घात 2 करनी है, फिर से उसका एडजॉइंट लेना मतलब फिर से घात 2 करनी है। फिर क्या रखा है बाहर? 2 गुणा कर रखा है, तो 2 की घात 3 गुणा ये जो अंदर वाले का सारणिक भाई, इसका जो भी आएगा उसमें 2 की घात 3 से गुणा कर देंगे। फिर इसका फिर से एडजॉइंट लेना तो इस पूरे का फिर से वर्ग हो जाएगा, और फिर मेरे पास 2 फिर से आगे गुणा में है तो 2 की घात 3 फिर से आ जाएगा। ये मेरे पास 2 की घात किसके बराबर है? 41 के बराबर है। हाँ, तो देखते हैं भाई 2 की घात कितनी हो गई। 2 की घात 3 तो इधर हो गई, और यहाँ पे 3 दुनी 6, और यहाँ पे पहले इसकी घात तो ये 6 हो जाएगा, 6 की घात 2 12 हो जाएगा, और 12 की घात 2 24, और 1 की घात कितनी हो जाएगी भाई? 1 SR की घात 2 4 और 8, तो 1 SR की घात 8 हो जाएगी बराबर 2 की घात 41। 24 36 और 3 33, 2 की घात 33 को उधर भेज देंगे तो 1 SR की घात 8 कितनी हो जाएगी? 1 SR की घात 8 हो जाएगी 2 की घात 41 / 2 की घात 33, मतलब 2 की घात 41 - 33 2 की घात 8, तो 1 SR आ जाएगा बेटा ±2। अब अपने को क्या चाहिए? अब अपने को चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वेयर, ए के वर्ग का सारणिक चाहिए। ए का सारणिक ±2 है तो ए के वर्ग का सारणिक ए के सारणिक के वर्ग के बराबर होता है। ए के वर्ग का सारणिक ए के सारणिक के वर्ग के बराबर होता है, तो जाएगा ±2 की घात
चार उत्तर ये चाहिए क्या अपने को? हाँ बस यही चाहिए, चार उत्तर आ जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटे छोटे से दो कंसेप्ट है ऐसा कह सकते हैं, और दोनों ही बहुत आसान है, अपन पढ़ते भी हैं, और बोर्ड लेवल का ही है, ज़्यादा ऐसा लेवल का भी नहीं है। बस इसने इसको भयानक बना रखा है बहुत सारे एडजॉइंट लगा के, कि जिससे बच्चा डर जाए और गलती करे, लेकिन हमें गलती नहीं करनी है, सिंपल है, कर लेंगे। चलो फिर, बहुत ही बढ़िया, मिलते हैं अपन जल्दी, है ना, बाय बाय, टाटा।